आज हम जिस महिला की कहानी आपको बताने जा रहे हैं उनका नाम संतोषी दुर्गा है। पोस्टमार्टम हाउस ऐसी जगह जहां जाने में अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन वहीं पर एक महिला बिना झिझके और डरे लाशों का पोस्टमार्टम करती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के उत्तर बस्तर कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक की संतोषी दुर्गा आज महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी है। पोस्टमार्टम हाउस में काम करने के पीछे कहानी है। दरअसल संतोषी ने अपने पिता से शर्त लगाई थी कि वो बिना शराब पिए भी पोस्टमार्टम कर सकती हैं। इसी जिद व शर्त के चलते आज नरहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीपर पद पर कार्यरत 30 वर्षीय संतोषी दुर्गा 600 से अधिक पोस्टमार्टम कर चुकी हैं। अपनी कहानी बताते हुए संतोषी के चेहरे पर गर्व भी था तो आँखों में आंसू भी थे। संतोषी दुर्गा बताती हैं, मेरे पिता इसी काम के लिए शासकीय चिकित्सालय नरहरपुर में नौकरी करते थे, लेकिन जब भी पोस्टमार्टम के लिए लाश चीर घर में आती वह शराब के नशे में बेहोश हो जाते थे। समझाने पर जिद करते कि लाश की चीरफाड़ होशो हवास में नहीं हो सकती। इस लाइन में मतलब मेरे आने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम लोग 6 बहन हैं और भाई नहीं हैं, और बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन मैं ही हूँ, और सबसे बड़ी भाई हो या बहन हो, जिम्मेदारी तो मतलब बड़े के ही ऊपर आता है। मेरे पापा यहीं स्वास्थ्य विभाग में स्वीपर पोस्ट में थे और ड्रिंक भी करते थे मेरे पापा, लेकिन ऐसा परिस्थिति हो गया कि अब 6 लड़की की जिम्मेदारी उन पे था, तो हमने उनको मतलब समझाया कि मतलब ड्रिंक वगैरह मत कीजिए, आपका 6 लड़की है, लड़का तो नहीं है बोल के मतलब मैं हमेशा मतलब उनको समझाती ही थी मेरे पिताजी को। अभी तो हमारे बीच नहीं है, मैं हमेशा उनको याद करके मतलब रोती हूँ, तड़पती भी हूँ, लेकिन एक हौसला रहता है ना जो करने का, मतलब जिम्मेदारी जो बड़ा रहता है उसको करने का हौसला रहता है, तो मेरे मन में ये हौसला रहा और मैंने बखूबी निभाया भी। पिता की इस लत से परेशान संतोषी ने एक दिन शर्त लगा ली कि बिना नशा किए वो पोस्टमार्टम कर सकती है। वो कहती है, मैंने पहला पोस्टमार्टम 2004 में किशनपुरी गांव से 5 दिन पुरानी कब्र खोदकर निकाली गई शत विशत लाश का किया था। शराब के प्रति नफरत और बाप से लगाई शर्त की वजह से लाश का सिर फोड़ते हुए ना तो उसके हाथ कांपे और ना ही बदबू की वजह से वह पीछे हटी। बाप ने बेटी के आगे झुककर शराब तो बंद कर दी, पर कुछ ही दिनों के बाद दुनिया से चले गए और यह काम उसके लिए जीवन यापन की मजबूरी बन गई। संतोषी 14 वर्षों से नरहरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम का काम कर रही हैं। पिता की मौत के बाद संतोषी पर अपनी 6 बहनों की भी जिम्मेदारी आ गई थी। उनके भी खुद के 2 बच्चे हैं। यही नहीं, नरहरपुर तहसील के अमोड़ा और दुधावा के अस्पताल में भी पोस्टमार्टम के लिए स्वीपर नहीं होने के कारण संतोषी के ही हवाले हैं। संतोषी अब तक 600 से अधिक लाश की चीरफाड़ कर चुकी है। संतोषी कहती हैं, नरहरपुर चिकित्सालय में जीवन दीप योजना के तहत 2600 रुपये वेतन पर संविदा में रखा गया है। इन 14 वर्षों में उसने अपनी एक बहन की शादी भी की है, जबकि बाकी की बची बहनों की पढ़ाई बंद नहीं होने दी। अभी हाल ही में एक बहन की और शादी होने वाली है। संतोषी दुर्गा बताती हैं कि वर्ष 2004 में ही स्वीपर के पद पर नियुक्त किए जाने का सिफारिश पत्र भी मिला, मगर जिले के अधिकारियों ने अब तक मुख्यमंत्री के आदेश को दरकिनार कर दिया। संतोषी दुर्गा के घर जब पहुंचे तो घरों की दीवारें संतोषी को मिले सम्मानों से सजी हुई थी। महिला सशक्तिकरण से लेकर नारी साहस तक सम्मान संतोषी को मिला हुआ है। संतोषी कहती हैं, सम्मान से पेट नहीं भरता, घर चलाने के लिए कुछ चाहिए रहता है। संतोषी आगे बताती हैं, मैंने कई मीडिया को अपना इंटरव्यू दिया है, अब मैं थक चुकी हूँ। संतोषी के पति और उनकी 6 बहनों को संतोषी के ऊपर गर्व है।